तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं निकालने जा रहा हूँ। अभी इससे पहले वाले एरिया ऑफ सर्कल निकाले थे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर बात करोगे तो देखो, ये जो रेक्टेंगल है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो इसकी मैं लेंथ मतलब एल ले लेता हूँ, ये वाली लेंथ रेक्टेंगल की, और ये मैं ब्रेड्थ बी लेता हूँ, ठीक है। तो हमको एरिया चाहिए। एरिया मतलब ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन, ये पूरा जिसे ये पूरा रेक्टेंगल बना है, इस रीजन की कैलकुलेशन करनी है कि कितने स्क्वायर मीटर है, ठीक ना। मतलब हमको पता नहीं है पहले से, तो इसमें जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो आप हॉरिजेंटल भी ले सकते हो और वर्टिकल भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं वर्टिकल लेता हूँ, यहाँ से मान लो एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा एलिमेंट लेता हूँ जिसकी थिकनेस, इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, डी एक्स है, तो मेरी जो लिमिट जाएगी यहाँ से एक्स इक्वल टू जीरो से यहाँ पर, ऐसे ऐसे आगे बढ़ूंगा तो ये जोड़ दूंगा तो एक्स इक्वल टू एल तक, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लेता हूँ यहाँ से वाई डिस्टेंस ऊपर जाके मैं लेता हूँ, तो इस एलिमेंट की थिकनेस डी वाई है और यहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो है, तो जब ऊपर जाओगे तो वाई की वैल्यू बी तक लिमिट जाएगी, तो जोड़ दोगे तो ये सवाल हो जाएगा, क्वेश्चन डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं हॉरिजेंटल ही ले लेता हूँ, तो ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो मैं हॉरिजेंटल यहाँ से ले लेता हूँ। ये पूरी की पूरी लेंथ एल है आपको दिया हुआ है, और ये पूरी जो है वो ब्रेड्थ अपनी बी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेता हूँ और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आके ये छोटा एलिमेंट, ये जो छोटू है वो बहुत कीमती होता है ये छोटू। अभी ये छोटू ऐसा है, ये फ्यूचर में रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे एलिमेंट मतलब जोड़ोगे तो इस छोटू की एरिया छोटा है बेचारा, तो इस छोटे का एरिया छोटा होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा स्मॉल एरिया, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एरिया डी ए, और इस छोटे का एरिया ये वाली जो थिकनेस है वो डी एक्स है, और ये जो पूरी की पूरी वो बी है, ठीक है। तो इस छोटे की एरिया आ जाएगी बी डी एक्स, ठीक है। अब हमें टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया ऑफ दिस रिक्टेंगल, टोटल एरिया ये इस छोटे से एरिया को मैं जोड़ दूंगा, और मैं एक्स एक्स की इंटीग्रेशन देखो, एक्स की लिमिट देखो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो थी और यहाँ से एक्स इजक्वल टू एल तक एक्स की लिमिट जाएगी, तो एक्स इजक्वल टू जीरो से एक्स इजक्वल टू एल तक लिमिट जाएगी, और यहाँ से जीरो से एल दैट इज यहाँ से बी डी एक्स, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लोगे तो ये अपना डेरिवेशन हो जाएगा। तो एरिया ये बी एक कॉन्स्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बच गया जीरो से एल तक, ठीक ना। अब एक्स का जो ये जो डी एक्स का इंटीग्रेशन, अब यहाँ से आप पढ़े होगे तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, ठीक है, पावर वाला रूल, एक्स पावर जीरो डी एक्स लगा सकते हो, तो एक्स की पावर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई जीरो प्लस वन, तो कुल मिला के एक्स पावर वाला रूल हमने लगा दिया। तो बी और एक्स, और लिमिट जाएगी यहाँ जीरो से एल, तो यहाँ से बी पहले अपर लिमिट रखेंगे एल, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, ये फार्मूला आपको पता होगा, तो दैट इज बी एल। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और मज़ा आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।